अहमदाबाद सिटी की भागदौड़ से दूर आज आपको लेकर आया हूँ 345 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला का प्रोजेक्ट के अंदर, और आज अपने अनवील कर रहे हैं 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला। और ये जो स्पेस है वो गजेबो स्पेस है, आपका प्राइवेट रहने वाला आपके प्राइवेट गार्डन के अंदर, और यहाँ पर जो मैं आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल भी लेकर आया हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला जो कि अहमदाबाद से कुछ ही मिनटों की दूरी पे है, लेकिन जो प्रोजेक्ट रहेगा वो काफी प्रीमियम और लग्जरियस ऑफकोर्स आपको फील करवाने वाला है। लोकेशन जो है वो कोलट रहेगा, गुलमोर ग्रीन्स के पास ही ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, और विद इन 2 ईयर्स आपको पोजेशन भी मिलने वाला है। तो अब चलते हैं और देखते हैं अंदर से कि बेसिकली ये जो विला है वो किस डिजाइन में मिलता है आपको और क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर विला के अंदर मिलती है। आपके सपनों का अल्ट्रा लग्जरियस विला यानी परम दृष्टि विला, यस आज आपके लिए लेकर आया हूँ 3, 4 और 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड रहेगा कोलट गुलमोर ग्रीन्स के पास। ये पूरा प्रोजेक्ट है 3, 4 और 5 BHK, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रहेगा बेसिकली आपका मेन एंट्री, यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हो ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा सेल्स ऑफिस, जो कि अभी सेल्स ऑफिस है, लेकिन जैसे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ये यूज़ होगा एज ए आपके यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे कि हो गया कैफेटेरिया से लेकर आपके ग्रोसरी स्टोर्स के लिए ये पर्टिकुलर यूज़ होने वाला है। और ऑन माय राइट हैंड साइड आपका बना हुआ है 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला सैंपल हाउस। 3, 4 और 5 BHK सारे जो है सैंपल हाउसेस अभी बने हुए हैं, जिसमें से 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस सैंपल हाउस जो बना हुआ है वो फर्निश्ड है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हो 3, 4 और 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला अहमदाबाद सराउंडिंग में, तो दिस इज गोइंग टू बी द ओनली ऑप्शन। यस, क्यों ओनली ऑप्शन? बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है प्लॉट एरिया 800 स्क्वायर यार्ड से लेकर 2500 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट एरिया रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो रहेगा आपका 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर 700 स्क्वायर यार्ड का। और इसमें मेन चीज़ रहेगा जो कि आपका गार्डन जो है तीनों साइड से ओपन गार्डन व्यू मिलने वाला है। आपका जो विला है वो तीनों साइड से सराउंडेड है बाय गार्डन। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये जो अल्ट्रा लग्जरियस विला जो सैंपल है वो किस हिसाब से बना हुआ है। इस सैंपल हाउस को अनवील करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अहमदाबाद की सारी प्रॉपर्टीज़ के सैंपल हाउसेस एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अहमदाबाद की सारी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में, अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट को समझने में भी। तो इस विला प्रोजेक्ट जो है तो इनका 5 BHK सैंपल हाउस अनवील कर रहे हैं, इसमें
जो कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर 700 स्क्वायर यार्ड तक के कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। और प्लॉट की बात करें तो प्लॉट जो है वो आपका अप्रोक्सीमेट 800 स्क्वायर यार्ड से चालू होके ये जाएगा आपका 2500 स्क्वायर यार्ड तक के। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल है प्लॉट साइज में और कंस्ट्रक्शन साइज में। ये जो विला बेसिकली बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 2320 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के अंदर बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर यार्ड का आपका कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। ये जो स्पेस है वो बेसिकली है आपका पार्किंग स्पेस। पार्किंग जो है यहाँ पर आराम से आप 4 गाड़ियां पार्क आराम से कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर विला का जो डिजाइन है उसी हिसाब से किया हुआ है कि यहाँ पर आपको तीनों साइड ओपन गार्डन मिलने वाला है। कई विला प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि फ्रंट में गार्डन होता है, कई विला प्रोजेक्ट में बैक में गार्डन होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर विला प्रोजेक्ट के अंदर आपको तीनों साइड ओपन गार्डन आपका प्राइवेट मिलने वाला है। ये है आपका प्राइवेट गार्डन जो कि फ्रंट साइड में आपका गार्डन रहेगा। मैंने जैसे बताया था आपको ये 2320 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो काफी स्पेशियस होने वाला है। यहाँ पर प्लांटेशन जो अभी आप देख रहे हो एज इट इज कंडीशन में आपको मिलने वाला है। प्लांटेशन वगैरह सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी ऑफकोर्स कर सकते हैं। अब चलते हैं और अंदर देखते हैं कि बेसिकली आपका जो विला है 5 BHK वो किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर जो पार्किंग जैसे ही आपका खत्म होता है यहाँ से भी आपका प्राइवेट गार्डन जो है वो चालू होता है, वो भी अपने कवर करेंगे जैसे ही अपने विला प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर लेते हैं सिंपल हाउस, फिर अपने वो भी बैक साइड वाला गार्डन भी कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका मेन एंट्री, हियर इज योर मेन एंट्री। जैसे ही आप एंट्री करते हो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेविस लिविंग एरिया। लुक एट दिस, ये आपका आ जाएगा फॉर्मल लिविंग, इनफॉर्मल लिविंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको यूज करना है। ये आ जाएगा आपका लिविंग एरिया और वो जो कि है आपका कनेक्टेड है डाइनिंग स्पेस के साथ। 8 सीटर डाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है तो आप जो इमेजिन कर सकते हो कि क्या साइज वाला जो आपका डाइनिंग स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर 8 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से 10 सीटर भी बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं। और यहाँ से भी ऑफ कोर्स यहाँ पर अप्रोच दिया हुआ है जो डायरेक्ट आपका गार्डन का एक्सेस यहाँ से भी करना हो तो भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप खाना खाते टाइम आपके गार्डन का व्यू लेना है तो भी ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। अब चलते हैं मेन ब्यूटी ऑफ दिस विला। यस, तो ये रहेगा बेसिकली आपका मेन ब्यूटी ऑफ दिस विला और ये है आपका इनफॉर्मल या फॉर्मल लिविंग जो कुछ भी आपको कंसिडर करना है। और दिस इज गोइंग टू बी द ब्यूटी ऑफ दिस विला। 22 फीट की हाइट, यस डबल हाइटेड ये आपका लिविंग एरिया होने वाला है। आप अपने हिसाब से 10-12 सीटर सोफा आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर फैमिली लिविंग वगैरह भी कंसीडर करना हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा आपका टीवी यूनिट। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस विला। यहाँ पर डबल हाइटेड का 22 फीट वाला आपका लिविंग एरिया दिया हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो ऊपर हाइट है जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से भी डायरेक्ट एक्सेस यानी व्यू व्यूइंग गैलरी जैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज सारी चीजें आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो पूरा विला है वो 2 फ्लोर के अंदर बना हुआ है, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर 2 बेडरूम्स है, यस ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर 2 बेडरूम दिए हुए हैं। नॉर्मली दूसरे विला के अंदर ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक ही बेडरूम मिलता है, इस पर्टिकुलर विला के अंदर ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। तो दोनों बेडरूम आपको दिखाने से पहले, अनवील करने से पहले मैं यहाँ पर आपका जो किचन स्पेस है वो एक बार एक्सप्लोर करवाना चाहूंगा। हियर इज योर किचन। ये जो है आपका सी शेप के अंदर बना हुआ है किचन और काफी स्पेशियस किचन होने वाला है। और वाइट ग्रेनाइट टॉप यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आप अपने हिसाब से मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। आपका सिंक वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पेस दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर, ओवन वगैरह यूटिलिटी चीजों के लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है। और हियर इज योर स्टोर रूम, यहाँ पर स्टोर रूम आ जाएगा। और इसमें आपको वेट किचन की कमी कहीं पर भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका वेट किचन, आप अपने हिसाब से वेट किचन बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं। वॉशयार्ड वगैरह भी कंसिडर करना हो तो कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको एक्सेस है आपके गार्डन का। और अगर आपको कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी डिजाइन करना हो आपके हिसाब से तो यहाँ से सेपरेट एंट्री दिया हुआ है। सर्वेंट क्वार्टर भी आप अपने हिसाब से डिजाइन ऑफकोर्स कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलने वाले हैं, तो अब चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो 2 बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर पे वो किस हिसाब से और क्या डायमेंशन के अंदर मिलते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि दिस इज गोइंग टू बी द ब्यूटी ऑफ योर विला, डबल हाइटेड लिविंग एरिया। वहां से ही सीधा कनेक्टेड है आपका फर्स्ट बेडरूम। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम। लुक एट द साइज,
काफी स्पेशियस ये आपका बेडरूम होने वाला है। किंग साइज बेड आप आराम से लगा सकते हैं। वार्डरोब स्पेस आपका अलग से दिया हुआ है, अंदर बेडरूम के अंदर वार्डरोब स्पेस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और लुक एट द ब्यूटी, यहाँ से भी आपका गार्डन, गजेबो और प्राइवेट पूल दिखने वाला है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर विला। और यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम विथ वॉक इन वार्डरोब्स। यस, वार्डरोब्स जो है वो आपको अलग से दिए हुए हैं, तो वार्डरोब स्पेस आपको आपके बेडरूम के अंदर कवर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए या फिर बाहर की हवा वेंटिलेशन होने के लिए यहाँ पर अलग से स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो है आपकी सफोकेशन वाली, कई बार क्या होता है कि बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती, यहाँ पर दोनों साइड यानी सारे बेडरूम में ऐसा स्पेस दिया हुआ है। अब चलते हैं और देखते हैं आपका जो सेकंड बेडरूम है, जो कि रहेगा ऑफ कोर्स ग्राउंड फ्लोर पे, वो किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। हियर इज योर सेकंड बेडरूम। लुक एट द साइज। साइज आप मत पूछिएगा मुझे, क्योंकि ये विला जिस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है तो यहाँ पर साइज एक्सप्लेन करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं ट्राई करेंगे कि हम जो है इस वीडियो में यहाँ पर आपको साइज लिख कर आ जाएगी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट विला इन द विसिनिटी ऑफ अहमदाबाद। तो ये जो है काफी स्पेशियस बेडरूम होने वाला है, सेकेंड बेडरूम। और यहाँ से भी अगेन आपको सेम व्यू मिलेगा आपके गार्डन और आपके गजेबो स्पेस का। तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी जाकर देखेंगे कि वो स्पेस किस हिसाब से मिलता है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर भी आपको वॉकिंग वार्डरोब वाला वॉशरूम मिलने वाला है। अब चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर का जो अदर पार्ट है, यहाँ पर आ जाएगा आपका वरंडा स्पेस। हियर इज योर वरंडा। ये स्पेस काफी सारी यहाँ पर दी हुई है ताकि आपका कोई भी फैमिली मोमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा कहीं से भी, और आपका जो लेजर टाइम है वो आप आराम से स्पेंड कर सकते हो आपके गार्डन, गजेबो और स्विमिंग पूल के साथ। तो ये एक इनफॉर्मल लिविंग एरिया बाहर साइड वरंडा के अंदर भी दिया हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं क्विकली फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर जाके बेडरूम्स वगैरह देखेंगे, फिर लास्ट में अपने जाएंगे गार्डन में और गजेबो स्विमिंग पूल के साथ, देखेंगे कि वो किस हिसाब से क्या डिजाइन में मिलता है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और लिविंग एरिया जो आपका डबल हाइटेड था, यहाँ पर ही दिया हुआ है आपका कॉमन वॉशरूम, तो कॉमन वॉशरूम भी इसमें आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है प्राइवेट लिफ्ट का, आप अपने हिसाब से डिजाइन करना हो तो कर सकते हैं, प्राइवेट लिफ्ट भी लगा सकते हैं, या फिर आपका लिफ्ट का जरूरत नहीं है तो आप अपने हिसाब से ऐसे पूजा रूम भी बना सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करते हो, आपके तीनों बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे आने वाले हैं। और ये जो रहेगा आपका डबल हाइट वाला लिविंग एरिया, तो यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं आपके लिविंग एरिया को, यानी ग्राउंड एंड फ्लोर जो है वो आपका इस लिविंग एरिया से डबल हाइट से ऑफकोर्स कनेक्ट होने वाला है। आपको नीचे जाकर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उनको बुला सकते हैं, यानी आप आपके फैमिली मेंबर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, कोई भी कनेक्शन मिस नहीं होगा। चलते हैं थर्ड बेडरूम में। हियर इज योर थर्ड बेडरूम। ये भी ऑलमोस्ट सेम साइज वाला आपको मिलने वाला है, काफी स्पेशियस बेडरूम रहेगा, किंग साइज बेड आपका आ जाएगा। वार्डरोब स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, वार्डरोब इनफैक्ट बना भी हुआ है, और यह आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। और इसमें भी यहाँ पर स्टैंडिंग बालकनी दिया हुआ है, और स्टैंडिंग बालकनी से भी आपको सेम व्यू मिलेगा आपका गार्डन और गजेबो स्पेस का। चलते हैं फोर्थ बेडरूम में। हियर इज योर फोर्थ बेडरूम। लुक एट द साइज। साइज ये जो साइज नॉर्मली कहीं पर भी पूरे अहमदाबाद में देखने को नहीं मिलती, बिगेस्ट इन द सेगमेंट बोल सकते हैं इस विला प्रोजेक्ट के अंदर, और काफी स्पेशियस ये विला होने वाला है। किंग साइज बेड आ जाएगा, टीवी यूनिट स्पेस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और वार्डरोब स्पेस यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग से स्पेस यहाँ पर वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है विद अटैच वॉशरूम। अब चलते हैं और देखते हैं आपका फिफ्थ बेडरूम जो है वो कैसा डिजाइन किया हुआ है। और लुक एट दिस कॉरिडोर, यहाँ से सीधा कनेक्ट रहोगे आपके लिविंग, डाइनिंग, किचन और नीचे वाले बेडरूम्स के साथ। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका बालकनी, टेरेस या फिर बालकनी है एक्सेस यहाँ से है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे आपको बालकनी मिल जाएगा। हियर इज योर बालकनी। ऑलमोस्ट टेरेस साइज का ही बालकनी है, तो बालकनी इसे नहीं बोलेंगे, टेरेस ही बोलेंगे।
यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैजुअल सिटिंग्स वगैरह लगाना हो तो लगा सकते हैं, ये स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो है बेसिकली आपका टेरेस, यहाँ से भी आपको व्यू मिलने वाला है आपके गार्डन का। सामने जो आपका सेल्स ऑफिस बना हुआ है जो कि इन फ्यूचर कन्वर्ट होगा आपकी यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। अब चलते हैं और देखते हैं आपका फिफ्थ बेडरूम जो है वो किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। हियर इज योर फिफ्थ बेडरूम, किंग साइज बेड ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, वार्डरोब स्पेस हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे बेडरूम्स के अंदर आपको वॉक इन वार्डरोब्स ही मिलने वाले हैं। तो आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वार्डरोब के लिए वो कम हो जाएगा और वो सीधा स्पेस चला जाएगा आपके वॉशरूम के अंदर। और यहाँ पर भी आपको ऑफ कोर्स बालकनी मिलने वाला है ओवर लुकिंग योर गार्डन, ये रहेगा आपका बालकनी। और यहाँ से भी ऑफ कोर्स आपको व्यू मिलेगा आपके गार्डन का और सेल्स ऑफिस का, जो कि अगेन यूटिलाइज होगा आपके यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। तो ये ओवरऑल 5 BHK प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर विला के अंदर मेरा एक थोड़ा कंसर्न रहता है कि जो 5 BHK दिया हुआ है, 5 बेडरूम्स जो दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा बेडरूम जो है मैं एज ए मास्टर बेड यूज़ करूं, क्योंकि सारे बेडरूम्स की साइज आप देखोगे तो सारे बेडरूम जो है वो मास्टर बेड ही बने हुए हैं, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर रहेगा आपका 28 वॉशरूम जो कि विथ वॉक इन वार्डरोब रहने वाला है। और ये कॉरिडोर अगेन आपको नीचे भी लेकर जाएगा और यहाँ से स्टेयर्स दी हुई है वो जाएगा सीधा आपने टेरेस के ऊपर। टेरेस जो है वो प्रॉपर ओपन टेरेस आपको मिलने वाला है, आप अपने हिसाब से सोलार वगैरह यूज करना हो तो आराम से कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3, 4 और 5 BHK का प्रोजेक्ट है और सब में आपको गार्डन, प्राइवेट गार्डन ऑफकोर्स मिलने वाला है। आपका प्लॉट एरिया जो है यहाँ पर 800 स्क्वायर यार्ड से लेकर आपका 2500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन जो है वो रहेगा आपका 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर 700 स्क्वायर यार्ड तक के कंस्ट्रक्शन। अब लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर विला प्रोजेक्ट का, जो कि रहेगा आपका प्राइवेट गार्डन और स्विमिंग पूल के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका गजेबो स्पेस भी। सो लुक एट दिस, दिस इज द ब्यूटी टू गो बियॉन्ड सिटी। सिटी से थोड़ा दूर जाते ही आपको ये नेचर और ये सारी लग्जरी आपको मिलने वाली हैं। तो ऑफ कोर्स आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो परम दृष्टि। यस, प्रोजेक्ट का नाम है परम दृष्टि। पर्टिकुलर डेवलपर ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स नियर बाई लोकेलिटी में भी बनाए हुए हैं, बाजू में ही उनका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना हुआ है जिनका नाम है परम ग्रीन्स। सेम डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, 95 विलाज इसमें होने वाले हैं और ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। विद इन 2 ईयर्स, 2 2.5 ईयर्स आपको पजेशन भी मिल जाएगा। दिसंबर 2025 में ही इनका पजेशन भी है और 3 सैंपल हाउसेस बने हुए हैं। तो तीनों सैंपल हाउस, अगर आप 3 BHK प्लान कर रहे हो, 4 BHK प्लान कर रहे हो या फिर 5 BHK, 5 BHK सैंपल अभी अपने अनवील किया है, 4 BHK और 3 BHK सैंपल भी बना हुआ है। तो अगर आप ऐसा कोई भी सैंपल हाउस प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी विला प्लान कर रहे हो कि जो सिटी से थोड़ा दूर जाने पर ही हो और बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफकोर्स बजट फ्रेंडली। और यस, प्राइवेट स्विमिंग पूल आप अपने हिसाब से ऑफकोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जो फर्नीचर देखा आपने, सारी चीज़ें सैंपल हाउस पर्पज से था, वो विला के अंदर इंक्लूड नहीं है, आप अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्विमिंग पूल दिया हुआ है और ये गजेबो स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस विला प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आप ऑफकोर्स हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठाना है हर एक अहमदाबादी को उनके सपनों का लग्जरियस, अल्ट्रा लग्जरियस विला भी दिलाना है। थैंक यू वेरी मच।